नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। फ्रांस के नीस में ट्रक हमला, 80 की मौत। फ्रांस के नीस शहर में बेस्टाइल डे के मौके पर आतिशबाजी देख रहे लोगों की भीड़ में एक ट्रक चालक द्वारा किए गए हमले में मरने वालों की संख्या 80 हो गई है और कई अन्य घायल हो गए। आतंकवादी निरोधक जांचकर्ता हमलावर चालक की पहचान कर रहे हैं। स्थानीय सरकारी अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने हमलावर चालक को मार गिराया। यह हमला 8 महीने पहले पेरिस में हुए इस्लामिक स्टेट के हमले के बाद हुआ है, जिसमें 130 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन प्रमुख क्रिस्टियन एस्ट्रोसी ने BFM टीवी से कहा कि हमलावर ने भीड़ पर गोलियां बरसाई। ट्रक से भारी मात्रा में हथियार और हथगोले बरामद किए गए। दक्षिण सूडान से 146 से अधिक भारतीय निकाले गए। भारत से युद्ध प्रभावित दक्षिण सूडान की राजधानी शहर सूबा में फंसे अपने 146 से अधिक नागरिकों को निकाल लिया गया। ये सभी तिरुवनंतपुरम में पड़ाव के बाद दिल्ली पहुंच जाएंगे। यद्यपि दक्षिण सूडान से भारतीयों को निकालने के अभियान में तब बाधा उत्पन्न हुई जब वहां से निकलने के लिए विदेश मंत्रालय के साथ पंजीकरण कराने वाले कई भारतीयों ने वापस लौटने से इनकार कर दिया। यद्यपि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर उनसे बाहर निकलने की अपील की थी। उन्होंने लिखा कि यदि स्थिति बिगड़ी तो हम आपको नहीं निकाल पाएंगे। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने ट्वीट किया कि ऑपरेशन संकट मोचन खतरे क्षेत्र से सुरक्षित रूप से बाहर, उड़ान युगांडा के एटम्बे में तकनीकी रूप से रुकी। रिजर्व बैंक बोला 20 पुराने कटे फटे नोटों को निशुल्क बदले बैंक। बैंक की ग्राहक सेवा में और सुधार लाने के लिए रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वह 5000 रुपए मूल्य तक के या 20 कटे फटे पुराने नोटों की निशुल्क अदला बदली करे। रिजर्व बैंक ने कहा है कि यदि बदले जाने वाले ऐसे पुराने नोटों की संख्या 20 से ज्यादा है तो बैंक शुल्क लगा सकते हैं। खराब और पुराने नोटों को बदलने की सुविधा प्राधिकृत बैंक शाखाओं और बिना चेस वाली शाखाओं पर उपलब्ध है। बैंकों से कहा गया है कि यदि उन्हें 5000 रुपए मूल्य से अधिक अथवा 20 से ज्यादा पुराने नोट बड़ी संख्या में दिए जाते हैं तो वह यहाँ कहकर उन्हें स्वीकार कर सकते हैं कि इनका मूल्य बाद में क्रेडिट कर दिया जाएगा। बड़ी संख्या में मिलने वाले नोटों के एवज में बैंक सेवा शुल्क ले सकते हैं।